हरी सरकार न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, चार दिन पहले फर्नीचर बाजार में लिंक रोड पर जो बाहर जैसा आलम बना था, सभी लोग कहते थे कि वहां पर जो नाला चौकअप हुआ है, उस नाले में फर्नीचर बाजार के व्यापारियों ने अपने ओर से भूसा, लकड़ी और प्लाइड के टुकड़े डाले हैं, इसके लिए वो नाला चौकअप हो गया है। सभी पॉलिटिकल लीडर जो भी वहां पर आता था वह वहां के व्यापारियों को दोषी ठहराता था। हमने भी अपने न्यूज में उन व्यापारियों की दास्तान भी सुनाई थी, हमने वह नेता जो व्यापारियों को दोषी ठहराते थे हमने उनकी बात भी सुनी, मगर राजेश वद्रेया जो स्थायी समिति के चेयरमैन थे वह वहां पर आए थे। उन्होंने नाला सफाई के बारे में कहा कि उन्होंने कहा कि नाला सफाई शहर में काफी अच्छी तरह हुई है, केवल यही पानी जमा क्यों हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल यहां पर जमा होने का कारण यहां के स्थानीय व्यापारी है, जो व्यापारी अपने जो दुकान का निकला हुआ कचरा, भूसा, लकड़ी और प्लाइड के टुकड़े उन्होंने नाले में डाल दिए हैं, इसके लिए पूरा नाला पूरा चौकअप हो चुका है, जिसके वजह से ये व्यापारियों को दृश्य देखना पड़ता है, इसके वजह से व्यापारियों को ऐसा टाइम देखना पड़ता है। हमने उनकी बात सुनी, हमने व्यापारियों की बात सुनी, उसके बाद आज हम अपने ओर से पहले नंबर एक में गए थे। पहले नंबर एक जो शमशान भूमि की ओर से रास्ता जाता है वहां पर पूरी इंडस्ट्री एरिया है, उस इंडस्ट्री में जाने से शमशान भूमि जाने तक एक बड़ा सा नाला है, उस नाले में कम से कम 6 ओपन चेंबर है, मतलब यानी कि नाला ऊपर से खुला हुआ है। हमने उस नाले के दृश्य दिखाए, हमने उस नाले के दृश्य निकाले, आपको मैं आप हैरान हो जाएंगे, वो नाले पूरी तरह से भरे हुए थे, उन नालों को कम से कम एक साल से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, वो नाला सफा नहीं हुआ था। हमने अपने तरफ से जब विजुअल निकाला तो वहां पर एक जेसीबी पहले से पहुंचा हुआ था और नालों की पहले से सफाई कर रहा था। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जो नाले मई महीने में सफा होने चाहिए वो जुलाई महीने में क्यों सफा होते हैं? ये जुलाई महीने में सफाई इसके लिए होती है, नहीं तो ये नाले कभी सफा होते नहीं थे, क्योंकि फर्नीचर बाजार में नाला चौकअप के वजह से दुकानों में जिस तरह पानी चला गया था, ऐसा मंजर दोबारा इस एरिया में ना हो इसके लिए उस नाले को सफाई करना चालू कर दिया था। ये हाल वहां भी हो सकता था, मगर एंड मौके पर ठेकेदार ने वहां पर नाला सफाई का काम चालू कर दिया। ये राजेश वद्रेया से मैं पूछना चाहता हूं, राजेश वद्रेया जी, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि नाला सफाई पूरे शहर में बरोबर हो चुकी है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जुलाई महीने में नाला सफाई का काम कैसे हो रहा है? जब आपने कहा था कि पूरे शहर में नाला सफाई का काम हो चुका है तो आज क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो इनकी नाकामी जो फर्नीचर बाजार में साबित हो चुकी है, उस नाकामी को छुपाने के लिए इन्होंने वहां पर काम चालू किया, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, कभी भी 2-3 दिन बारिश अगर पड़ेगी तो एक नंबर इंडस्ट्रियल एरिया का जो हाल जो फर्नीचर बाजार का हुआ था वैसा हाल इनका ना हो, इसलिए आज उन्होंने अपने ओर से सफाई चालू करा दी। तो दोस्तों, यह है महानगर पालिका के कारनामे जो हमें दिखाता है किस तरह हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारियों में भ्रष्टाचार और ठेकेदारों में भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है। हमारा मकसद है केवल शहर के लोगों को सच्चाई दिखाना, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी काम शहर की जनता का है, किस तरह नेता को जवाब देना है और किस तरह अपना काम वहां कराना है। थाने सरकार न्यूज, महेश मूलचंदा में। के बाद हम दूसरी खबर की ओर से रुख करते हैं। उल्लासनगर शहर में जब भी कहां भी कॉलेज, स्कूल या प्ले नर्सरी स्कूल की कहां भी स्थापना होती है तो हमें काफी खुशी होती है। उसका कारण यही है कि स्कूल और कॉलेज से बच्चों को वहां पर शिक्षा मिलती है, वह शिक्षा बच्चों के भविष्य में काम आती है और बच्चे बड़े होकर शिक्षा के पाने के बाद बड़े होकर कुछ न कुछ जरूर बनते हैं और वो शिक्षा उनको लिखने पढ़ने में हिसाब करने में काम आती है। तो एक शिक्षा ऐसा साधन है, अगर व्यक्ति के पास अगर शिक्षा होती है तो वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे आप कहीं जॉब कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो और बिजनेस कर सकते हो, जिसमें आप सक्सेस पा सकते हो। तो जहां भी शिक्षा का मंदिर खुलता है तो हमें काफी खुशी होती है। आज हम बात करते हैं झूलेलाल मंदिर के आगे आवतमल चौक पर मायपर स्कूल की नर्सरी स्कूल की, वहां पर आज
इनोग्रेशन की गई। उस इनोग्रेशन में रवि बाटिया और धीरज माखीजा दोनों व्यक्तियों के ओर से वहां पर स्कूल की आज इनोग्रेशन की गई। धीरज माखीजा जो हमारे उल्लासनगर शहर के भाजपा पार्टी के प्रकाश माखीजा के सपुत्र है, उन्होंने शिक्षा बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए एक बड़ा कार्य आज उन्होंने अपने ओर से किया। उस स्कूल की आज रवि बाटिया सर के तरफ से आज इनोग्रेशन किया गया। तमाम शहर के लोग वहां पर आए हुए थे और धीरज माखीजा और रवि बाटिया की काफी तारीफ की। वैसे रवि बाटिया जी के उल्लासनगर 5 नेताजी चौक पर भी कई स्कूल की नर्सरी की शाखाएं हैं, वहां पर काफी बच्चे पढ़ते हैं, काफी उनका नाम है। बच्चों को शिक्षा देने में उन्होंने काफी गुणवत्ता हासिल की है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं वहां पर किस तरह की इनोग्रेशन की गई, बच्चों के लिए वहां पर क्या क्या फैसिलिटी रखी गई, क्या कहते हैं रवि बाटिया जी सर, और वहां पर जो मैडम बच्चों को पढ़ाने आने वाली है उन मैडमों का वहां पर क्या है कहना, जरा देखते रहिए हमारे साथ थाने सरकार न्यूज। माय प्रीत स्कूल एक ऐसा सेटअप है जहां पे हमने रवि सर के साथ कोलैबोरेट किया है और जहां पे हर एक बच्चे को अपार्ट फ्रॉम दी स्टडीज बेसिक एजुकेशन, उनको पर्सनल ग्रूमिंग, बेसिक डिसिप्लिन, ऑर्डर, क्लीनिनेस, ये सब हम लोग भी सिखाते हैं। हमारा स्टाफ इतना वेल क्वालिफाइड और ट्रेंड है कि वो उनको कैपेबल है कि सब सिखा सके, बेसिक एजुकेशन, बेसिक लेवल स्टडीज से लेके सब डिसिप्लिन, ऑर्डरलीनेस सब। सर कितनी टीचर्स रहेगी हर बैच में? हमारे यहाँ पे करंटली 4 स्टाफ है, 4 टीचर्स है, जो कि हर एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, हर एक अच्छे बेसिक क्वालिटीज रखती है, क्वालिफिकेशन रखती है, तो ये सब मैटर करता है बच्चे को पर्सनली ग्रूम करने के लिए। आपने कभी पहले इस तरह की स्टडी की है बच्चों को पढ़ाने की? कभी? मैंने एक्सपीरियंस लिया है टीचिंग में, रवि सर के साथ ही मैंने पढ़ाया है उनके क्लासेस पे। पहले टीचिंग की है? एक्चुअली टीचिंग प्रॉपर मैं नहीं बोल सकती कि मैं टीचिंग कर चुकी हूँ, बट कैसे इन सब चीज़ों में अच्छा भी लगता है, अच्छा काम लगता है, बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाना, जो गलत है वो नहीं करना है, उन सब में डिफरेंस बताना, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और नो डाउट स्कूल में भी हम सीखते हैं तो वो सिखाने में भी अच्छा लगता है। मेरे को मुझे इस सब में एक्सपीरियंस नहीं है बट आई लाइक इट। हमारे यहाँ 3 बैचेस हैं, 9 to 11, 11 to 1 एंड 1 to 3। हम बैफोगेट करके कराते हैं, सीनियर के जी जूनियर सबके बैचेस अलग अलग रहते हैं एंड फी स्ट्रक्चर भी इतनी नहीं है। आपके जैसे जैसे सीजन्स आएंगे वैसे वैसे आपको ऑफर भी मिलेंगे और फी स्ट्रक्चर भी आपके रीजनेबल हैं। सर देखिए हमारा कैसे है ना, बड़े बच्चों को हम लोग तो ऑलरेडी टीच करते हैं जैसे कि कॉलेज लेवल पे। अभी हम लोग ने कैसे, हम लोग का लास्ट 2 ईयर्स एक वेंचर स्टार्ट किया था नेताजी पे, उल्लासनगर 4 में माय प्री स्कूल के नाम से, और हमारी 6 ब्रांचेस थाने में भी है, और ये हम लोग ने अभी 2nd ब्रांच यहाँ पर ओपन किया है उल्लासनगर 1 में। हम चाहते हैं कि पूरे उल्लासनगर को हम लोग स्टार्ट से, शुरू से ही ना थोड़ी अच्छी टीचिंग दे पाएँ, अच्छी एजुकेशन दे पाएँ, जैसे बच्चे आगे चल के ना, काफ़ी जगह पे हम लोग ने देखा है कि बड़ी लेवल पे आते हैं बच्चे बट कहीं ना कहीं पे एजुकेशन में वो वीकनेस दिखती है। तो हम लोग ने कॉलेज लेवल के बाद सीधा हम लोग ने प्री प्राइमरी सेक्शन स्टार्ट किया, और हमने काफ़ी जगह पे और भी प्लान किया है कि उल्लासनगर में हम लोग और अच्छे से ट्राई कर सके कि हमारी 2-3 ब्रांचेस और बन जाए।